उनको डालने के हाथ 60 फोटो आए भैया। अरे आप लोग थोड़ा पीछे हटो भैया, आप लोग थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा सामने, थोड़ा पीछे हटो तुम। आज जुम्मा मुबारक दिन के मौके पे जगीचाल मुसलमान बुजुर्गों और नौजवान साथियों का मदद मांगने के वास्ते आज हमने मैं आ चुका हूँ यहाँ की। अरे यार मेरे मुंह बैठते मैं पेट्रोल से पहले से मुझे 130-140 साल से जो मदद देकर मैं सियासत की ज़िंदगी में यहाँ तक आने में जो मेरी मदद की है मैं वो सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की सियासत की मौके को नज़र में रखते हुए एक सेक्युलर किस्म की पार्टी को मदद देना ये अपना फ़र्ज बल्कि मैं समझता। आज मरकज़ में होने दो, इधर रियासत में होने दो, क्या हो रहे अपन सब लोगों को मालूम है। तेलंगाना अलग रियासत की वक्त में जो मुसलमान भाइयों में पिछड़ाई है, बैकवर्डनेस है, वो दूर करने वास्ते वो 12% रिजर्वेशन अमल में लाए तो थोड़ा उन लोगों को मदद कर सकते। बल्कि जो सोचे थे ये 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर तामीलात करते, बल्कि जब वादा करे अब 4 महीने नहीं 4 साल गुजर गए, मगर ये 12% रिजर्वेशन की वादा जहाँ की वहीं रह गए। मैं असेंबली में जब बहस हुई थी मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से जिक्र करा था ये सिर्फ असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने से होने की चीज़ नहीं होता, ये मरकज़ हुकूमत को मनवाना ज़रूरी है। यह मरकज़ हुकूमत को मनवाने में आप जिम्मेदार लेना ये आपकी फ़र्ज़ बनता। एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम भी आपके साथ देंगे, मुझे भी वादा करें, मगर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की गर्दन झुका के मैं दोनों सिस्टम अमल में लाया हूँ बल्कि बोलता हूँ अच्छी चीज़ है, आप प्राइम मिनिस्टर की गर्दन झुका सकते हैं, मगर मुसलमानों की पसगंदगी दूर करने में जो 12% रिजर्वेशन अमल में लाना ये हमारे आपकी ज़िम्मेदारी में नहीं है क्या? जो मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने में जो रिजर्वेशन 12% अमल करना जो आप चुनाव के वादा थे ये अमल में लाने के वास्ते प्राइम मिनिस्टर की गर्दन झुकाना ये तुम्हारा फ़र्ज नहीं था क्या? बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ, आप गर्दन झुकाने की बात बाजू रखो, आप तो जनाब मोदी साहब के गोद में बैठे हुए हैं, आप जनाब मोदी साहब के गोद में बैठे हुए आप उनके इशारे पे नाचने बोल रहा हूँ मैं। आप इतने मर्तबा प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं पर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर आप कभी भी जिक्र नहीं करें। सिर्फ यही रिजर्वेशन की बात ही नहीं, जो मरकज़ हुकूमत शरीयत में दखलंदाज कर रहे उसकी मुखावत करना और मजम्मत करना ये हर एक सेक्युलर पार्टी का जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ जो सेक्युलर पार्टी कहलवाते हैं सिर्फ यही टीआरएस पार्टी ये मरकज को शरीयत में दखलंदाज कर रहे सिर्फ इन्हें ही मुखालफत नहीं करे मजम्मत नहीं करे।
मैं जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें तो एनडीए गवर्नमेंट में शामिल होते हुए भी ये बिल की मुखालफत करें, बिल की मुखालफत करें, बाद में एनडीए से हटकर बाहर रहे वो अलग बात है, मगर जब ये बिल लाया गया इन्हें एनडीए गवर्नमेंट में शामिल था, मगर सेक्युलर पार्टी कहलवाने के वास्ते उन्हें जो शरीयत में दखलंदाज होने की जो ट्रिपल तलाक बिल पेनल एक्शन के वास्ते जो प्रपोज कर रहे थे उसकी मुखालफत करें, मगर यही एक टीआरएस पार्टी उसकी मुखालफत करना ही नहीं कम से कम मजम्मत भी नहीं करे, बल्कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ बोलता हूँ, आज मुसलमानों की वोट मांगने की हक जो है टीआरएस पार्टी को नहीं, अगर टीआरएस पार्टी की वोट गिरे तो ये सीधा पिछड़े के दरवाजे से मोदी की गोद में जाता, सर पिछड़े के दरवाजे मोदी की गोद में जाता, ये एक साजिश चल रहा है, हमेशा मरकज से पार्लियामेंट इलेक्शन से जो असेंबली इलेक्शन से होने की अंदाज रहते, मगर इन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी से मिलकर लड़ने के वास्ते ये रियासत इलेक्शन जो है अलग कर लेके अब जो है मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं बोल के दिखलाने के वास्ते बोल रहे, पर जैसे मुसलमान वोटिंग के वास्ते जैसे असेंबली इलेक्शन खत्म होते सीधा इन्हें पिछड़े के रास्ते से मोदी की गोद में चले जाते, आज मरकज में दो ही फ्रंट है, एक यूपीए दूसरे एनडीए, आप यूपीए के मुखालफत में हैं इसके मतलब आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं, जब आप यूपीए की मुखालफत में है बोले तो आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं, ये सीधा दिखने से चीज है, अब बहुत कुछ बातें बोले साहब असेंबली में, तो हैदराबाद में मैं इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, इस्लामिक सेंटर तो अब तक कम से संघीय बुनियाद भी नहीं कर सकेगा बोल, संघीय बुनियाद भी नहीं कर सकेगा बोल रहा मैं, अजमेर में रुबात बनाता हूँ बोल के बोले साहब, अजमेर में रुबात बनाता हूँ बोल के बोले, कहाँ साहब अजमेर आपकी रुबात कहाँ हुआ साहब, गरीब बच्चों के वास्ते हैदराबाद में गुरबात बनाता हूँ बोल के बोले, वो भी उधर ही गए, आखिर में जो नया काम आप करने के बाद बाजू रखो, जो पुरानी दौर में जो चल रहे थे उर्दू एकेडमी उसको भी बंद कर दिया सर, जो गरीब नौजवान पढ़ लिख कर अगर कुछ कंप्यूटर सीख ले तो खुद रोजगार पा सकते, हमारा बहना जो घर बैठे बैठे कुछ कंप्यूटर सीख ले तो खुद रोजगार पा ले सकते है, तो उर्दू सेंटर पूरा बंद कर दिया सर, सिर्फ उर्दू सेंटर ही नहीं, अब गए से चार साल में एक भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सैंक्शन नहीं करें, एक भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सैंक्शन नहीं करें, हालांकि पुरानी हुक्म से जो चल रहे वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद करवा दिया बोलकर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अब आप जो है चुनाव के वक्त आए तो हर एक हम माइनॉरिटी के साथ है बोल के बोल लेना तो अरे की इसकी फैशन हो गए बोले, मैं बोलता हूँ सामने हमारे आवाम को मैं खासकर हमारा मुसलमान बुजुर्गों को नौजवान साथियों को आप एक बार गए सो एक 10-20 साल पीछे देखिए सर, मेरा तो सियासत जिंदगी नहीं नहीं है, मैं गए सो 30 साल से सियासत जिंदगी में, ये 30 साल की सियासत जिंदगी में जिगिताल में मैं हमेशा गरीब तक थे, चाहे वो दलित होने दो बैकवर्ड क्लास होने दो, खासकर अखिलेत मुसलमानों के साथ देना मैं अपने फर्ज बोल के समझाऊँ सर, यहाँ के जगीचाल में हिंदू मुस्लिम अमन शांति अमन कायम रखने के वास्ते मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, आइंदा भी जगीचाल में हिंदू मुस्लिम दुआओं के जैसा देखना मैं अपने फ़र्ज बोल के समझता हूँ, सिर्फ दुआओं के जैसे नहीं, मुसलमान अखिलेत जो है जो कमज़ोर तकते हैं जो गरीब तकते हैं उन लोगों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए, मैं ज़रूर ये मुसलमान जो गरीब तकते हैं उन लोगों में जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी दूर करने में उन लोगों को रोज़गार दिलवाने में 4% जो अब अमल में
है वो 4% रिजर्वेशन एक तरफ अमल कराते हुए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी मैं खास ध्यान देकर यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाना मैं अपने फर्ज समझता हूँ, बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ की पसमंदगी दूर करने में मैं आपकी साथ दूंगा, जैसे आप मेरी सियासत ज़िंदगी में पहले से जो आप साथ देकर मेरी इज्जत आप बढ़ा रहे, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ముఖ్యంగా నాకే నేను మాత్రం జగిత్యాల అల్పసంఖ్యాక వర్గాల ముస్లిం సమాజానికి నేను రుణపడుతున్నా అని చెప్పాను. ఆజ్కి జుమ్మా ముబారక్ దీనికి మోకేపే ఆజ్ జో మేరే హమ్ ఆప్కి దువా మాంగనే వాస్తే మై యాం పే ఆయా హూ మై మై జరూర్ అల్లాహ్ హమ్ మేరే ఉపర్ మెహర్బానీ హోంగే మేరే నిశాంతో హాత్ హై సబ్కో మాలూమ్ హై రహీమ్ సాహబ్ కి నిశాన్ సైకిల్ రహే తో భీ హాత్ కో కర్ రహే యహాన్ పే జో రమణా సాహబ్ ఔర్ జీవన్ రెడ్డి గే సో 30 సాల్ సే ఇక్కడ ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నామో ఈ ఎన్నికల్లో ఖాస్కర్ రియాసత్ మే జమూరియత్ కు జిందా రఖనేకే వాస్తే ఖాస్కర్ రియాసత్ మే జమూరియత్ కు జిందా రఖనేకే వాస్తే హమ్ హాత్ మిలాయే సార్ హమ్ రమణా సాహబ్ కి మదద్ సే ఆజ్ యే చునావ్ యహాన్ పే మైన్ లడ్ రహా హూన్ మే ఖాస్కర్ హమారా తెలుగుదేశం కార్కునోం కు మై శుక్రియా అదా కర్త గే సో 10-15 దిన్ సే మై తో హమారా లోగ్ నారాజ్ నహీ హోనా ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్కునోం సే ఉన్ లోగ్ జ్యాదా కర్ రహే హై శుక్రియా సార్.